जिंदगी में दो तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो वो होते हैं जो काम में डूब जाते हैं और एक वो होते हैं जो काम से बचते रहते हैं, या फिर अगर उनको काम करना भी पड़े तो बेमाने मन से करते हैं कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कर लें परसों कर लेंगे, और काम को टालने के साथ साथ में जो काम करते हैं उसमें भी अपना मन नहीं लगाते हैं। तो सेकंड वाली कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो जिंदगी भर परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, पर लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनको दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो काम में इतना डूब जाते हैं, अपने काम को कर कर ही वो दम लेते हैं और अपने काम को ही वो एंजॉय करते हैं, उनको और दुनिया से कोई मतलब ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए, यानी कि अपने आप को काम में डुबा देना। आप लोगों ने सुना होगा ना एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में कि उनकी एंगेजमेंट थी और वो भूल गए थे अपनी एंगेजमेंट की डेट, तो उनको लगा कि इससे ज्यादा प्रोडक्टिव काम में कर रहा हूँ, उससे ज्यादा क्या मतलब है उन चीजों में घुसने का, फिर जब उसमें मतलब डेट तक इंसान को याद नहीं रही। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, इसको कहते हैं काम में डूब जाना। तो इस तरीके से जो इंसान काम में डूब गया तो आज की डेट में क्या आने वाली जनरेशन भी फिर उसके बारे में पढ़ती है कि हाँ एक इंसान ऐसा हुआ करता था। तो हमेशा अपने काम से प्यार करिए, और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक कोटेशन है जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है दिल से, कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, यानी कि अपनी ड्यूटी जो भी आप लोग काम कर रहे हैं वो कोई भी काम हो चाहे इस धरती पर उसको पोल्यूट मत कीजिए, यानी कि उसको बेमाने मन से मत कीजिए, उसको दिल लगा कर कीजिए। अगर बेमाने मन से करोगे तो कहते हैं डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, और इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी देन एवरीवन विल सैल्यूट यू, यानी कि अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करते हैं तो आप लोगों को हर एक इंसान को सैल्यूट करना पड़ेगा, उसकी खुशामद करनी पड़ेगी, पर लेकिन अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हैं तो हर एक इंसान आप लोगों को सैल्यूट करेगा। इसलिए अपने काम से प्यार कीजिए। ओके।